सो हेलो गाइस, आज हम आए नैनो प्लेस जो दीदी फेमस हो रखी है, काफी हो चुके हैं यूट्यूब पे भी, वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी है गोल्ड बिरयानी के नाम से। सो हेलो दीदी, कैसे हो? अच्छी हो? और बताओ सब हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, लेकिन ठंड बहुत पड़ रही है। ठंड तो बहुत ज्यादा है। सो गाइस, दीदी लगा रही है थाली। दीदी थाली में क्या क्या मिलेगा आपके पास? थाली में भैया हम लोग चार रोटी चावल और दो सब्जी देते हैं। अच्छा, अगर आपको दोबारा नीड है तो आप रिफिल भी करा सकते हो। रिफिल करा सकते हैं? हाँ, जैसे पैसे नहीं लोगे पर है उतनी है। वाह सही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये दीदी के हो गए चावल। और दीदी वैसे थाली कितने की आपकी? मात्र 50 रुपए। 50 रुपए की थाली जो गोल्ड बिरयानी के यहाँ पर मिलती है। बिरयानी भी बेचते थे लेकिन अभी बिरयानी क्यूट कर रखी है हमने, क्योंकि कुछ लोगों को देखो जी, मैं बिरयानी तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो खिलाना पड़ेगा। अच्छा, तो वेज ही बेचते थे? चिकन वेज। ये अपने राजमा हो गए। हाँ जी, ये आ गए अपने हमारे राजमा। अब कुछ स्पेशल चीज? स्पेशल स्पेशल चीज क्या बताऊँ भैया, अब तो आप लास्ट में आए हो तो खत्म है, लमसम खत्म हो गया। ये क्या? आलू गोभी। आलू गोभी। अच्छा, आज मेरे पास केवल 3 ही सब्जी है, बाकी खत्म हो चुकी है। मैं मसाला चाप भी ले गई थी। अच्छा, मसाला चाप भी थी, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि कस्टमर्स को यहाँ पे चाप और पनीर वगैरह ज्यादा पसंद आता है। अच्छा। हाँ। और बाकी मैं आपको दे रही हूँ 2 चपातियां। हाँ। ठंडी हो जाएंगी इसलिए केवल 2। अच्छा, वैसे कितनी है? वैसे 4। 4 एक थाली में, बढ़िया यार। और थाली 50 रुपए की बोली आपने? 50 रुपए जी। और सैलड भी है साथ में जी। और एक चीज और मैं आपको। अच्छा, एक चीज और दोगे? क्या दोगे बताओ? ये है सर जी हमारे माँ के हाथ का जादू अचार। क्या बात है, घर का अचार है ये अचार खाने के लिए ना कस्टमर पूरी थाली लेके जाता है सिर्फ ये अचार खाने के लिए। अच्छा, ये रही गाइस इनकी थाली, अपनी गोल्डी बिरयानी की थाली है ना। तो ये लीजिए जी, माँ के हाथ का प्यार भरा खाना रेडी है। ये रही हमारी थाली, थैंक यू दीदी। और दीदी वैसे अपना नाम तो बता दो जी। मेरा नाम पूजा है। तो कितना टाइम हो गया वैसे लगाए हुए? 2 साल होने वाले। रिजल्ट तो बढ़िया मिल रहा है धीरे धीरे? देखो जी, मेहनत करेंगे तो पीछे तो हटेंगे नहीं। धीरे धीरे हो रहा है ना? सही हो जाएगा, हो नहीं रहा है, हो जाएगा। नहीं, वो तो ऑब्वियसली जरूर होगा, बट धीरे धीरे मुकाम पे चढ़ रहे हो ना। आप लोगों का साथ रहा, दुआएं रही तो चढ़ेंगे आगे भी। थैंक यू दीदी। भाई देख लो, ये दीदी का ऐसा कुछ सेटअप है और कोई गंदगी भी नहीं है भाई, बिल्कुल हाइजीन रखा हुआ है। चाय भी स्टार्ट कर दी, चाय भी स्टार्ट कर दी। कुछ लोगों को ना रायते का रिक्वायरमेंट नहीं होता, विंटर है, ठंड है, वैसे रायता भी रखते हो? मुझे भी कोल्ड हो रहा है, चाय अलग। रायता भी रखते हो वैसे? चलो थैंक यू दीदी। सो गाइस, अपनी थाली ये रही जो अपन ने दीदी से ली है। तो दीदी ने भाई ये इसमें दिया है कड़ी पकौड़ा, राजमा की सब्जी है, आलू गोभी, चावल हो गए, ये घर का चार है भाई साथ में, और 4 रोटी है इसमें। अभी 2 इसलिए लिए क्योंकि ठंड हो रही है, ठंडी हो जाएगी। तो थोड़ा सा टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है, क्योंकि पहली बार आया हूँ भाई, पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ। तो अपना पहले ना भाई राजमा फेवरेट है, राजमा खा के देखते हैं। राजमा बढ़िया दीदी, दाल मखनी वाली दाल है ना ये तो? हाँ। दाल मखनी वाली दाल है, दाल मखनी वाली दाल, क्रीम डल जाएगी तो दाल मखनी हो जाएगी पूरी। दाल मखनी वाली दाल अलग बनती है, बट ये मैंने राजमा में उड़द की दाल डाल के बनाया है, जिससे कि क्या है कि ना बेस जो है ना वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। हाँ। और मैं गाढ़ा करने के लिए ना कोई ऐसी कोई चीज प्रिजर्वेटिव में यूज नहीं करती हूँ, जैसे हमारी मम्मी बनाती है ना घर में राजमा उबाल के, घोट के, ऐसे अच्छे से मसाला बना के, वही प्रिपरेशन है, वही तैयारी है। और सादा सिंपल सा खाना है जी, इसमें कोई मैंने कोई जादू सिंपल सा नहीं डाला है, सिंपल सा खाना जो हमारी मम्मी बनाती है। थोड़ा सा कड़ी चावल भी टेस्ट कर लेते हैं। तो साथ साथ रिव्यू बताऊँ तो बहुत अच्छा है, और मेरे साइड से यहाँ पर एक बार विजिट करना चाहिए अपन को नेहरू प्लेस में, जो गोल्डी बिरयानी के नाम से फेमस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जितना हो सके शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।